तो इंजीनियर्स, आज हम देखने वाले हैं BBS के बारे में। जैसे कि आप हमारे इंजीनियर्स को यहाँ पर पीछे देख पा रहे होंगे, वो यहाँ पर आए हैं और कुछ बीम्स का चेक कर रहे हैं कि जो बीम में जो स्टील्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर लगे हैं एज़ पर ड्राइंग की नहीं। तो इस पूरे वीडियो में हम हमारे इंजीनियर से यही जानने वाले हैं। मैंने उनको कुछ बीम्स दिए हुए और वो चेक करके बताने वाले हैं कि क्या ये बीम्स यहाँ पर जो लगे हैं वो सही है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। जैसे कि इंजीनियर्स, मैंने बताया कि आज हमारे इंजीनियर्स यहां पर BBS चेक कर रहे हैं। जो इनका BBS का साइट विजिट है वहां पर ये आए हैं। मैंने इनको ड्राइंग की हेल्प से कुछ BBS के नंबर्स दे दिए हैं और उनको ड्राइंग दे दी थी कि आप जाओ उसमें कितना सरिया लगने वाला है वो चेक करो, और साथ ही साथ साइट पर जाके चेक करो कि वो जो सरिये ड्राइंग्स में दिए हैं वो सही से लगा है या नहीं लगा है। तो चलिए चलते हमारे इंजीनियर्स की तरफ और जानते हैं कि उन्होंने वो चेक कर पाए या नहीं कर पाए। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो? हेलो सर, अच्छे है। अच्छा, कौन सा बीम दिया था मैंने आप लोगों को? ये B24 दिया। B24, तो जैसे कि इंजीनियर्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, B24 में जो बॉटम में बार है, तीन बॉटम मेन बार दिए हुए हैं 20 mm के, दो बॉटम एक्स्ट्रा दिया हुआ है 20 mm का, और अगर मैं टॉप बार की बात करूँ तो दो बार दिए हुए हैं 12 mm के। तो ये बार इन्होंने चेक किया क्या इंजीनियर से? बार सही है यहाँ पर? यस सर, यहाँ पे हम तीन जो बार है बॉटम के वो 20 mm के है। हाँ। और दो जो बार है टॉप के वो 12 mm के। अच्छा, तो जैसे कि इंजीनियर्स इन्होंने बताया कि यहाँ पर 20 mm के तीन बार दिख रहे होंगे, तीन बार ही है ना? हाँ, तीन बॉटम मेन बार है 20 mm के, है ना? तो मेन बार क्या होता है पहले बता पाओगे आप? गिरीश, आप बताओ मेन बार क्या होता है? मेन बार जो थ्रू आउट जाता है बीम के। अच्छा, मेन बार जो होता है वो थ्रू आउट जाता है बीम के। अच्छा, मतलब जो बीम के थ्रू आउट जाता है, एंड टू एंड जाता है, उसे हम मेन बार बोलते हैं। तो बॉटम में मैं देख पा रहा हूँ इंजीनियर्स, आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो तीन बार से हमारे 1, 2 और 3, ये तीन बार से हमारे थ्रू आउट एंड टू एंड जा रहे हैं, जिसको हम लोग ने बोला है बॉटम मेन बार। और फिर टॉप एक्स्ट्रा कौन सा होगा इंजीनियर? सर, टॉप एक्स्ट्रा इस सेक्शन पे नहीं है। अच्छा, वो वाले जंक्शन पे उन्होंने दिया। अच्छा, टॉप एक्स्ट्रा उधर। तो यहाँ पर बॉटम एक्स्ट्रा भी दिए हुए इंजीनियर? हाँ सर, इसमें दो 20 mm के बॉटम एक्स्ट्रा दिए। अच्छा, तो दिखा है दो बॉटम एक्स्ट्रा, कहाँ पर है मुझे बताओ? क्या हम देख सकते हैं सर, ये जो है ये दो बॉटम एक्स्ट्रा है। अच्छा, नीचे तीन मेन बार है बॉटम के। अच्छा, ओके। और यहाँ पर दो कितने एमएम के बार से मेन बार? 12 mm के। अच्छा, तो दो 12 mm के दिए। क्या आपने स्टीरअप्स को भी चेक किया? हाँ सर। क्या बोलता है स्टीरअप यहाँ पर? सर, तीन अलग अलग स्पेसिंग पे स्टीरअप्स दिए हैं। पहली जो स्टीरअप्स की स्पेसिंग है वो 100 mm की है, 8 पहले स्टीरअप्स। हाँ, मतलब स्टार्टिंग के 100 mm के है। उसके बाद जो है सर, 150 की स्पेसिंग पे 6 स्टीरअप्स दिए हुए हैं। मतलब पहले 800 पे, उसके बाद के 6, उसके बाद के, हाँ, 150 और उसके बाद 300 की स्पेसिंग पे। मतलब उसके बाद जो भी बीम हमारे, जो भी स्टीरअप्स आए होंगे हमारे, 300 की स्पेसिंग है। तभी की स्पेसिंग सही है? हाँ सर। कवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पर बराबर? हाँ सर, लगे हुए। अच्छा, कुछ कुछ सर्टन डिस्टेंस पर यहाँ पर कवर ब्लॉक्स भी लगे हुए। चलो बढ़िया। और कोई चीज़ें दिखी जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी या कुछ गलत दिया हुआ, ऐसा कुछ दिखाई दिया? स्पेसिंग जो है सर, हाँ, कुछ कुछ जगह पे सर स्पेसिंग बराबर नहीं है सर। अच्छा, मतलब 100 mm का जो है वो 150 हो चुका है। अच्छा, और जो 170 तक भी गया है। तो ये चीज़ें तो देख पा रहे हो इंजीनियर्स, हमारे इंजीनियर्स BBS की इसके कुछ ही क्लास हो पाए हैं और इन्होंने यहाँ पर बीम की पूरी चेकिंग कर ली है। ऐसी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली हमारे इंजीनियर्स को सिखाते हैं, जो ये लोग जाके अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में परफॉर्म करते हैं। और भी इंजीनियर्स हमारे वहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं हम। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। हाँ सर, मस्त मस्त हो।
तो चलो, तो आप लोगों को कौन सा बीम दिया था मैंने चेक करने के लिए? B37। अच्छा, क्या था उसका डिस्क्रिप्टिव बताओ कि मुझे क्या डिस्क्रिप्शन था उसमें? 250x700 का। अच्छा, 250x700 का बीम है। अच्छा, कितने मेन बार, कितने बॉटम मेन बार, कितने एक्स्ट्रास दिए हुए हैं बता सकते हो? बॉटम में 325 के दिए थे। अच्छा। उसके ऊपर टॉप एक्स्ट्रा थे, वो दो थे। अच्छा, और ऊपर मेन बार थे, ऊपर टॉप पे वो दो थे, 25 के। अच्छा, मतलब मेन बॉटम मेन बार कितना दिया हुआ था? तीन था। हाँ। तो क्या बॉटम मेन बार तीन लगे हुए बराबर प्रॉपरली? हाँ, लगे। और मेन बार किसको बोलते पहले बताओ कि मुझे? पूरे यहाँ तक ऊपर जाते वो। अच्छा, बीम पूरा एंडिंग होता है, पूरा मतलब जहाँ एंड टू एंड वो जाता है उसको हम लोग मेन बार बोलते हैं। तो तीन बॉटम मेन बार लगे हुए अच्छे से। टॉप बॉटम एक्स्ट्रा कितने थे? दो बॉटम एक्स्ट्रा। अच्छा, तो वो भी लगे हुए जी सर अपनी जगह पर। जी। यहाँ पर मुझे ना एक बार दिख रहा है, जैसे कि वहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ, जैसे वहाँ पर मुझे एक बार दिख रहा है जो थोड़ा इंक्लाइंड लगा हुआ है, कौन सा बार है वो? स्पेसर बार है। हाँ। क्या होता है स्पेसर बार? वो उसके नीचे जो कंक्रीट जाने के लिए वो होता है ना, उसके एग्रीगेट की साइज के ऊपर होता है वो। अच्छा। हाँ। तो कितने mm का हमको स्पेसर बार प्रोवाइड करना चाहिए? 20 mm का भी कर सकते, 25 का भी कर सकते, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कितने mm का एग्रीगेट यूज होता है। अच्छा, तो RCC में कितने mm का एग्रीगेट? हम लोग 20 mm का भी यूज करते, 10 mm का भी यूज करते। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, उससे ज्यादा ही होना चाहिए जितना हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अभी बॉटम का तो हो गया चेक करना मेरा, टॉप में कितने मेन बार थे? टॉप मेन बार दो मेन बार थे लगे हुए। कौन से दिखा पाओगे? ये अच्छा, वो दोनों मेन बार है मेरे टॉप के। तो उसके बाद और क्या बताया गया था? टॉप एक्स्ट्रा लगा था कहीं पर यहाँ पर? नहीं सर, टॉप एक्स्ट्रा नहीं दिया इस बीम में। ओके, कैंटिलीवर का है। ठीक है, तो स्टीरप्स का क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था? सर 10-12 स्टीरप्स दिया था पहले। हाँ, जो 100 की स्पेसिंग पर थी। क्या सही था वो स्पेसिंग वहाँ का? अच्छा, उसके बाद दिया था 8 स्टीरप जो कि 150 की स्पेसिंग, 150 और बाकी के बीच की स्टीरप्स 300 का स्पेसिंग। कुछ गलती यहाँ पर दिखी आपको कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हाँ सर, कुछ स्टीरप्स में थोड़ी गलती दिखी थी। अच्छा, जो कि हम लोग जैसे कि रिप से हम लोग से मोड़ते हैं। हाँ हाँ, तो कोई कोई जगह पे नहीं मोड़ा हुआ था वो चीज़। ओके, मतलब लक्स से मोड़ दिया। हाँ, लक्स से मोड़ा हुआ था। तो देखा इंजीनियर से रिप्स और लक्स के बारे में, इनको भी डिटेल में बताया गया है कि कैसे बैंड को मोड़ना चाहिए, रिप्स से मोड़ना चाहिए, लक्स से नहीं मोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से बारीकी से चेक की, जो कि इन्होंने BBS के कितने क्लास हुए आपकी BBS की? तीन क्लास। तो देखा इंजीनियर्स, BBS के तीन क्लास में ही इन्होंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली। तो अभी तो BBS का इनको बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो उनमें तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। और इंजीनियर्स, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या ये चीज़ें आपको आती है? क्या आप भी साइट पर जाकर ये चीज़ें सीख सकते हो, ये चीज़ें बता सकते हो? क्या बीम का सरिया आप चेक कर सकते हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर ना तो आप उस जगह को ढूंढिए जहाँ पर से आप ये चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि हमारी भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमारे इंजीनियर्स को सारी चीज़ें सिखाते हैं, ऐसे भी और भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर आप वहाँ से सीखना चाहते हैं तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, हमारे काउंसलर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि चीज़ें आप कैसे सीख सकते हो और कहाँ से सीख सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जो और भी ये चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं। और कौस्तुभ कैसे हो? बढ़िया हो। हाँ। चलो, कौन सा बीम मिला था आप लोगों को? सर B45 नंबर का। अच्छा, B45 का नंबर, यही वाला बीम है क्या? हाँ, यही है। यही है। हाँ। तो क्या डिस्क्रिप्शन क्या था इसका? जो डिस्क्रिप्शन था, बीम की साइज थी 230x700 mm का। अच्छा। और उसमें जो बॉटम के बार थे वो थे तीन मेन बार थी, जो कि यहाँ पे लगे हुए है। तीन मेन बार है लगे इसमें प्रॉपरली लगे हुए है 20 mm के। और उसके बाद बॉटम एक्स्ट्रा दिया हुआ है? बॉटम एक्स्ट्रा दिया है दो बार। अच्छा। 20 mm के, जो कि ये दिख रहे हैं यार। अच्छा, हाँ, जैसे कि ये लोग ने भी देखा है इंजीनियर्स। हाँ। और मैं भी देख पा रहा हूँ कि हाँ लगा हुआ है। बीम्स बहुत सरिये बहुत ज़्यादा होने की वजह से शायद आपको वीडियो में ना दिखे, फिर भी आप देखने की कोशिश करना कि यहाँ पर दो बार्स लगे हुए हैं टॉप बॉटम एक्स्ट्रा में। उसके बाद टॉप में कितने बार्स थे? टॉप में दो बार थे, 12 mm के तो लगे। हाँ, 12 mm। जैसे कि इंजीनियर साहब 12 mm के तो देख पाओगे, हमारे इंजीनियर आपको दिखा देंगे कि ये 12 mm के दो टॉप मेन बार लगे हुए हैं। और टॉप एक्स्ट्रा दिया हुआ था? टॉप एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अच्छा, कितने टॉप एक्स्ट्रा है?
दो टॉप एक्स्ट्रा है। अच्छा कितने एमएम के? 20 एमएम के टॉप एक्स्ट्रा। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये टॉप एक्स्ट्रा हमको दिया हुआ है, 20 एमएम के दो टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रोवाइड है इस वाले जंक्शन पे। दूसरे जंक्शन पर टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया था क्या? दूसरे नहीं सर, नहीं 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 किया गया था। अच्छा तो स्टीरअप्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है? हाँ स्टीरअप्स का भी दिया हुआ है, जो 8 mm का ही साइज है स्टीरअप्स की। अच्छा 100 mm के 8 है। अच्छा यहाँ से जॉइंट कौन से 8 है बता सकते हो? गिन के बता सकते हो हमारे इंजीनियर्स को 8 कौन से है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अच्छा ये 8 स्टीरअप्स है वो कितने एमएम के डिस्टेंस पे? 100 mm के। अच्छा और ये जो 8 है वो दोनों साइड से है। अच्छा उधर से भी 8 और इधर से भी 8, दोनों 100 की स्पेसिंग पर। हाँ उसके बाद 4 150 mm के आएंगे। अच्छा 4 150 की कौन से? अच्छा तो ये 4 और बाकी बीच की जो बीच में है वो 300 mm के। ओके तो ऐसी कोई चीज दिखी जो यहाँ पर गलत दी गई हो या होनी चाहिए थी और दी ही नहीं गई हो? हाँ सर ये जो स्पेसिंग है ना वो पूरा गलत है। अच्छा स्पेसिंग पूरा गलत दिया गया, कई 200 पे है, कई 300, ऐसा बहुत गैप है। अच्छा तो ये सारी चीजें ड्राइंग में दिखाई दिया है वैसा नहीं आई दिया। तो जैसे कि आप लोग ने क्लास में भी एक सीखा था, मैं हमारे इंजीनियर्स को भी बताना चाहूंगा कि जो हुक्स रहते हैं बीम के वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए? ऊपर की तरफ होने चाहिए। अच्छा ऊपर की तरह, वो ये ऊपर की तरह अल्टरनेट। अच्छा अल्टरनेट क्या मतलब हुआ अल्टरनेट का? अल्टरनेट मतलब एक यहाँ पे है तो दूसरा ये साइड पे होना चाहिए। अच्छा, हुक मतलब दोनों का फेस अलग होना चाहिए। हाँ, फेस अलग और हुक सिर्फ टॉप में होना चाहिए, बॉटम में नहीं होना चाहिए? नहीं टॉप में होना। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे टेंशन जोन रहता इसलिए। अच्छा तो ये चीज़ों की वजह से हम लोग टॉप में हुक नहीं प्रोवाइड करते। तो देखा इंजीनियर्स कैसे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बीम को चेक किया, इनकी गलतियाँ निकाली और भी बहुत सारी चीज़ों इन्होंने चेक किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की क्लास में सारी चीज़ें सीख ली, और भी चीज़ें सीखने वाले हैं जिसमें इनको BBS का स्लैब का स्टेयर केस का पूरा डिटेल मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग में इनको सिखाते हैं। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। इंडिया के बहुत सारे लोकेशंस पर हम लोग पहुँच चुके हैं और भी लोकेशंस पर हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। आपके नियर बाय सेंटर को जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लोकेशन पिन कर दिए हैं। और इंजीनियर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे इंजीनियर्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।